राजधानी पटना में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट 78.17% छात्र हुए पास, से पूजा और संदीप ने किया बिहार टॉप। पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक नंदकिशोर यादव ने पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल में लिया कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज, लोगों से वैक्सीन लेने की अपील। बेगूसराय में लगातार बढ़ रहे कोरोना से बचाव के लिए प्रशासनिक पदाधिकारियों ने बरती सख्ती, सदर एसडीएम के नेतृत्व में दुकानदारों और ग्राहकों को लेकर चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान, वसूला गया जुर्माना। मुजफ्फरपुर में एईएस को लेकर मीडिया उन्मुखीकरण का किया गया आयोजन, इस जानलेवा बीमारी से बचाव की तैयारियों को लेकर भी हुई समीक्षा। मुजफ्फरपुर में एक दुकान में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई जा रही संभावना, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बेगूसराय के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की महिला वार्डन का मिला शव, मामले की जांच में जुटे पुलिस। बेगूसराय में आग ने बरपाया कहर, गेहूं के खेत में अचानक लगी आग, 50 बीघा में लगी गेहूं की फसल जलकर हुई राख। देश में कोरोना ने तोड़ा रिकॉर्ड, एक दिन में मिले 1 लाख से अधिक नए मरीज, एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 7.5 लाख के पास। बिहार में 5 माह बाद कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में हुई बढ़ोतरी, एक की हुई मौत, पटना में मिले 372 नए कोरोना संक्रमित मरीज। बक्सर में गेहूं की खेतों में लगी आग, सैकड़ों एकड़ गेहूं की फसल जलकर हुई राख, किसानों को हुआ भारी नुकसान। नालंदा में तेज रफ्तार का कहर जारी, बाइक सवार ने मारी ठोकर, 2 लोगों की मौके पर हुई मौत। नालंदा में पुलिस ने किया सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, बंद कमरे से आपत्तिजनक स्थिति में 2 युवकों सहित 1 युवती को किया बरामद। निरसा के मैथन डैम के पास एक शख्स का मिला शव, इलाके में फैली सनसनी, जांच में जुटे पुलिस। बक्सर में दिखा आग का रौद्र रूप, भीषण आग लगी में 2 झोपड़ियां जलकर राख, घंटों मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। लखीसराय में शॉर्ट सर्किट से 20 घरों में लगी आग, लाखों की संपत्ति का हुआ नुकसान, कई मवेशी भी झुलसे। मुजफ्फरपुर में भी कोरोना का दिखा असर, एक दिन में बने 22 नए कंटेनमेंट जोन, अब तक बन चुके हैं 70 कंटेनमेंट जोन। झारखंड में ट्रेन दुर्घटना में सीसीएल कर्मी की हुई मौत, 24 घंटे बाद ही कर्मी की पुत्री को दिया गया नियुक्ति पत्र। भागलपुर में चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान, जांच अभियान में 5 थानों के पुलिस रही मौजूद। रोहतास में कोचिंग बंद होने से नाराज छात्रों ने किया प्रदर्शन, कोविड 19 गाइडलाइन के तहत बंद किया गया था कोचिंग। डिप्टी सीएम ने राजद नेता की हत्या पर व्यक्त की संवेदना, कहा अपराधियों को मिलेगी कड़ी सजा। सहरसा में दिखा आग का रौद्र रूप, शॉर्ट सर्किट से करीब 150 घर जलकर राख, अग्निपीड़ित खुले आसमान में रहने को मजबूर।